वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से वंस अगेन आप सभी लोग का वार्म वेलकम है आपके इस एडिटोरियल वकैब के सेशन में। आज इस वकैब के सेशन में हम लोगों ने एक नई चीज़ ऐड की हुई है और वो क्या है बताते हैं आपको, ठीक है। सारा का सारा सेशन पहले की पुरानी की तरह है। स्टार्टिंग में आपका एक कोटेशन आएगा, उसके बाद आपका होमवर्क आएगा जो कन्फ्यूजिंग क्लियर होता है, उसके बाद आपके एड वोकैब्स आएंगे, टू इडियम्स एंड फ्रेजेज आएंगे। अब एक नई चीज़ हमने ये ऐड की है कि हमने टू एरर के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो टोटली बेस्ड होगा किस पे, आपके एडिटोरियल पे। हमने एरर के भी क्वेश्चन बेस्ड ले लिए हैं जो टोटल बेस्ड होगा किस पे, एडिटोरियल पे, जो आपका एडिटोरियल का सेशन होता है उस सेशन पे, आपके एडिटोरियल के सेशन पे अब ये बेस्ड होगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। और आज के थॉट, आज के कोटेशन साथ स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, लिखा है कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब कि जो विनर्स होते हैं ना, कोई भी अलग काम नहीं करते हैं, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। मतलब कि देखो, देखा जाए तो 24 घंटे आपके लिए हैं और 24 घंटे उनके लिए भी हैं। इन्हीं 24 आवर्स में एक बच्चा किसी भी एग्ज़ामिनेशन को टॉप कर जाता है और एक बच्चा फिर रोता है कि मेरा एक नंबर से रुक गया, मेरा दो नंबर से रुक गया, या फिर ये हो गया वो हो गया। समझ में आ रही है? तो दोनों के लिए 24 आवर्स एकदम ही वही हैं, ना ज़्यादा ना कम, बस डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करते हो। एक बच्चा होता है बहुत मेहनत करता है, मतलब ये पढ़ता है बुक, वो पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है वैसे पढ़ता है, और एक बच्चा होता है कि जो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझता है कि एग्ज़ाम के पैटर्न की डिमांड क्या है, करंट सिनेरियो की डिमांड क्या है, एग्ज़ाम हमसे पूछना क्या चाहता है, ये क्या करता है। इसके पास नो डाउट नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस नॉलेज को गेन करने के लिए इतना टाइम ही अपना लगा देता है, इतना टाइम लगा देता है, इतना लॉन्ग समय तक तैयारी करता है, प्रोसेस में रहता है, इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक करता है, और ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आता है, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझता है, कैसे चीज़ों को करना है वो समझता है, कैसे नहीं करना वो समझता है। सबसे पहले ये समझता है डोंट, कौन सी चीज़ नहीं करनी है, पता है, फिर ये समझ लेता है, फिर उसके बाद ये करना स्टार्ट करता है। तो वही चीज़ कही गई है इसमें कि जो विनर होते हैं वो कोई काम जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो भैया आप भी स्मार्ट वर्क करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी में बहुत ऊँचाई, बहुत ही अच्छे मुकाम पर जाएँ, आप सबका नाम रोशन करिए, घर वालों का, उनको भी प्राउड फील कराइए। तो कल का जो आपका प्रीवियस डे का होमवर्क था वो था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देन एंड देन, तो इसको डिस्कस करेंगे हम लोग आफ्टर द वोकैब। और आज का आपका होमवर्क है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेटर एंड लेटर। हाँ, नोट्स से कोई नहीं देखेगा, नोट्स में मैंने इसको लिखवाया हुआ है, नोट्स को यूज़ नहीं करना है, आपको अपने मन से आंसर देना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेटर एंड लेटर, नहीं तो कुछ लोग खुश हो गए होंगे, गजब मिल गया। हाँ, तो गजब वाले चक्कर में नहीं पड़ना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब। आज का सबसे पहला वोकैब है आपका फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है आवेश। आवेश का मतलब होता है एक तरीके से जो पागलपन का कह लें, पागलपन टाइप का, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, आवेश के लिए चार्ज कह सकते हैं, और पागलपन के लिए क्या कह सकते हैं, मैडनेस। तो इसका मतलब दोनों हो जाता है, आवेश या पागलपन। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है मेरिडी, जिसका मतलब क्या होता है, केवल। और केवल को क्या कहते हैं, तो ओनली कहते हैं, जस्ट कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। थर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसका मतलब क्या होता है, चुनाव क्षेत्र, जिसको आप क्या कह सकते हो, आप टेरिटरी कह सकते हो, आप रीजन कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, जोन कह सकते हो, ठीक है। फोर्थ नंबर की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्या है, फोर्थ नंबर हमारा है स्क्रैम्बल्ड, जिसका मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, मतलब कि क्या करना, कॉन्टेस्ट करना या फिर स्ट्रगल करना, समझ में आई बात। फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर आपका है सेटबैक। सेटबैक मतलब क्या होता है, नाकामयाबी, मतलब कि एक तरीके से कह लें फेलियर होता है, या फिर क्या होता है, बैड लक होता है, या फिर क्या होता है, पियास्को होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसको बताती हैं, नाकामयाबी को बताती हैं, मतलब कि फेलियर को शो करती हैं। अगला आपका है इंटीग्रेशन, जिसका मतलब होता है एकीकरण। क्या होता है सर, एकीकरण, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं यूनिफिकेशन, या फिर आप क्या कह सकते हैं, अकॉर्डेंस, ठीक है। अगला आपका है एलिगेशन। एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब क्या होता है, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे इंडिक्टमेंट करना, या फिर चार्ज करना, क्या करना, आरोप लगाना, इंडिक्टमेंट करना, या फिर क्या करना, चार्ज करना। अगला आपका है कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हो जाता है, कि कोई चीज़ कब गठित की गई, मतलब कब फाउंड की गई, कब कॉन्स्टिट्यूट की गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने फ्रेज की तरफ।
पहला फ्रेज हमारा क्या है, इन स्लैश बाई, मतलब कि ये फ्रेज में आपको इन भी मिल सकता है और बाई भी मिल सकता है। तो क्या है, इन द इन या बाई दोनों में से कोई एक आएगा। फिट्स एंड स्टार्ट्स, जिसका मतलब क्या होता है, इरेगुलरली, मतलब कि जो चीज़ अनियमित तौर पे हो, एक मतलब कि पैटर्न को फॉलो ना करे, कोई श्योर ना हो, कोई सर्टेन ना हो कब क्या होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, तो क्या लिखा है, रिप्लाइज टू द एडवर्टाइजमेंट आर अराइविंग इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब कि वो जो उसकी रिप्लाइज हैं वो कैसे आ रहे हैं, फिट्स एंड स्टार्ट्स में आ रहे हैं, मतलब कि कैसे आ रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं, कोई मतलब सर्टेन उसका टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर लिखा है अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशंस, मतलब कि किसी के संदेह में रहना, डाउट में रहना कि अच्छा क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल, और कोई चीज़ बादल के अंदर है तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो क्या है, कितना है, कैसे है, नहीं ना, तो इसका मतलब वही होता है कि किसी संदेह में रहना या डाउट में रहना। तो हो जाएगा द कैबिनेट मिनिस्टर लेफ्ट ऑफिस अंडर अ क्लाउड आफ्टर अ फ्रॉड स्कैंडल, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो लेफ्ट ऑफिस, उन्होंने ऑफिस को छोड़ दिया अंडर अ क्लाउड, एक संदेह, अंडर क्लाउड मतलब एक संदेह में, आफ्टर अ फ्रॉड स्कैंडल, एक फ्रॉड स्कैंडल के बाद। समझ में आई बात, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने दो फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला आपका फ्रेज क्या था, बाई फिट्स एंड स्टार, जिसका मतलब क्या होता है, इरेगुलरली, और दूसरा क्या था, अंडर अ क्लाउड, जिसका मतलब क्या होता है, अंडर सस्पिशन। चलिए अब हम आपका होमवर्क देख लेते हैं। सर जो हमने आपको होमवर्क दिया था वो क्या है, कैसे है, और काफ़ी ईजी वे में था, काफ़ी ईजी था। तो होमवर्क आपका था, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द दैन एंड देन, देन एंड देन। तो बच्चों आप लोगों ने भी आंसर किया था, काफ़ी बच्चों ने आंसर किया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखो क्या लिखा है, कि देन इज़ यूज फॉर द कॉम्परिजन्स, मतलब कि जब हमें कोई तुलना करना होता है, जब हमें कोई कंपेयर करना होता है किसी से, कोई हमें मतलब एक तरीके से कह लें कॉम्परेटिव डिग्री यूज करनी होती है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, देन का। जैसे क्या लिखा है, एलन रन्स फास्टर देन करन, कि एलन करन से क्या दौड़, कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पे दो लोगों का कॉम्परिजन हो रहा है, दो लोगों की तुलना हो रही है, और जब तुलना हो रही है तो हम टी एच ई एन नहीं यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, टी एच ए एन। और टी एच ई एन का यूज कब करते हैं, टी एच ई एन का यूज करते हैं देन इज़ यूज टू इंडिकेट्स टाइम और सेक्वेंस, जब किसी टाइम या सेक्वेंस को हमें इंडिकेट करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, देन। जैसे क्या लिखा है, एलन टुक ऑफ रनिंग एंड देन करन केम अलॉन्ग एंड फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे हर ब्रेकफास्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब देखिए इस पूरे सेंटेंस में एक टाइम की बात हो रही है, सीक्वेंस की बात हो रही है, तो वो आया तब ये गया, इस टाइप का है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, देन यूज़ हो जाएगा। जब भी आपका कोई टाइम की बात होगी, जब भी आपके सीक्वेंस की बात होगी, आप क्या यूज़ कर दोगे, देन। जब भी आपके कहीं तुलना करना हो, कुछ भी कंपेयर करना होगा, तो आप क्या यूज़ कर दोगे, देन। ठीक है, चलिए एरर की तरफ मूव करते हैं। सर एरर की ये दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एडिटोरियल पे टोटली बेस्ड हैं, एडिटोरियल से लिया गया सारा क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, पहले तो सोचा मैं करा दूँ, लेकिन मैं सोचा करा दूँगा तो फिर आप क्या करेंगे, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि सिलेक्शन किसको लेना है भाई, मेहनत नहीं करेंगे सिलेक्शन होगा क्या। तो कहते हैं ना, कभी कभी मेरे मन में सवाल आता है, ख्याल नहीं आता है, सवाल आता है कि ये दोनों आपको क्वेश्चन, ये दोनों प्रॉब्लम घर के लिए क्या कर दिया जाए, होमवर्क दे दिया जाए। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, आपको आज बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं करते हैं, आपको लेटर और लेटर का सिर्फ मीनिंग एक्सप्लेन कर देना है, अगर एग्जांपल मन हो तो लिखना, एग्जांपल ना मन हो तो मत लिखना। लेकिन इसमें कोई ये नहीं लिखेगा पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, पार्ट सी में एरर है, पूरा इसमें आंसर लेकिन आपको देना है। अगर पार्ट ए में एरर है तो क्या है, जैसे मान लो सपोज़ मैं बोल रहा हूँ पार्ट ए में कहीं पर लिखा है ए बी सी, तो आपको बताना है सर ए बी सी रिप्लेस हो जाएगा सी बी ए से, मतलब समझ में आया, पहले जो गलत है उसको लिखना है, फिर डैश करके जो सही है उसको लिखना है। इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि पार्ट ए गलत है पार्ट बी गलत है, वो तुक्के वाली बात हो जाती है ना। हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, और तीन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है नहीं, आई होप सब लोग कर ले जाओगे आराम से। चलिए फिर कल करके आइए, कल आप सबसे मुलाकात करते हैं, तब तक गाइस क्या आप सब लोग जानते हो, कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग, थैंक यू सो